हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 8 से। आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक ऐसे हिस्से में रहते हो जहां पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत ज्यादा हावी है। एक यूएस सिटीजन होने के बावजूद आपको कोई अपने घर पे किराए पे रखने को तैयार नहीं है, इससे आपको कैसा लगेगा? आपको कैसे बुरा नहीं फील होगा? आप डिसाइड करो कि अच्छा क्यों ना मैं इसकी कंप्लेंट कर दूं इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और आपसे ये बोला जा रहा है कि आप इंडिया वापस चले जाओ, तो इससे आपको और ज्यादा गुस्सा नहीं आएगी? अब आपका ये जो गुस्सा है, ये दो तरीके की शक्ल इख्तियार कर सकता है। एक है कि आप रिएक्ट करो ये कह के कि क्रिश्चियंस जो है उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा उन प्लेसेस पे जहां हिंदूज और मुस्लिम्स की मेजोरिटी है। ये एक तरह का रिटेलिएशन होता है, मतलब क्या होता है कि जैसा तुमने करा वैसा ही हमारे साथ होगा। या फिर आप ये व्यू ले सकते हो कि सबके लिए बराबर का न्याय होना चाहिए। आप लड़ सकते हो कि किसी के खिलाफ भी जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस या उनके बिलीव्स के आधार पर। ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली इस अजम्पशन पर है कि जितने भी डोमिनेशन है, जितने भी तरीके के डोमिनेशन होते हैं खास तौर से रिलीजन को लेकर, उनको खत्म होना चाहिए। यही सेक्युलरिज्म जो है उसका एक तरह से भाव है। हमारा ये जो चैप्टर है इसमें आप यही जानोगे ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक के बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यानी हमारे इंडिया में इसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब हिस्ट्री जो है हमारे को वो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बताती है जिसमें हमारे यहाँ भेदभाव है, अलग रखना बिल्कुल, या उसके ऊपर के ट्रायल चलाना सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे। आपने सुना होगा कि किस तरह से ज्यूज को जो है मार दिया गया था हिटलर की जर्मनी जो थी उसमें, और कितने सेवरल मिलियंस जो हैं उनको जैसे एक तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। पर्सिक्यूशन जो होता है उसका मतलब होता है कि लोगों को सताना, पूरी तरह से प्रताड़ना देना, और फाइनली उनको मार दिया जाता है। तो अब ये जो ज्यूइश स्टेट है इसराइल के, वो अपने जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं उनकी जो मतलब वहां पर माइनॉरिटी है उसको भी काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो वहां पर टेंपल या चर्च बनाए, ना वो जो है एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं पब्लिक प्लेस में प्रेयर के लिए। तो ये जो सारे ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं इससे ये समझ में आता है कि जो मेंबर्स होते हैं एक रिलीजियस कम्युनिटी के, या तो वो सताते हैं या फिर भेदभाव करते हैं जो मेंबर्स दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज के होते हैं उनके साथ। ये जो एक भेदभाव का जो एक्शन है ये ज्यादा आसानी से हो जाता है जब एक रिलीजन को ऑफिशियल तौर पर रिकॉग्निशन मिल जाए स्टेट के द्वारा और बाकी जो रिलीजन्स होते हैं उसकी एक तरह से कीमत चुकाते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसको जो है भेदभाव किया जाए उसके रिलीजन के आधार पर, ना ही कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर हावी हो। इंडिया में जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेट जो करता है सिटीजन्स के खिलाफ या अगेंस्ट, वो क्या उनके रिलीजन के बेसिस पे या उनके आधार पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया में कोई भी स्टेट जो है रिलीजन के आधार पर किसी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? तो इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। हमारा जो पहला चैप्टर था उसमें आपने जाना कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स होती हैं जो हमें स्टेट पावर के खिलाफ प्रोटेक्ट करती हैं, या जो मेजॉरिटी की एक तरह से दबदबा है उसके खिलाफ जो है हमें बचाती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी मर्जी से आजादी से रह सकते हैं, उनकी अपने जो धार्मिक बिलीफ्स हैं प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है जैसा बताया गया उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो आइडिया है रिलीजियस फ्रीडम का सबके लिए, इस आइडिया को माइंड में रखते हुए इंडिया ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी कि जो पावर ऑफ रिलीजन है उसको सेपरेट कर दिया जाए और पावर ऑफ स्टेट को अलग, यानी आप पावर ऑफ रिलीजन जो है और पावर ऑफ स्टेट दोनों अलग अलग है। सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ ये जो रिलीजन है इसका सेपरेशन स्टेट से, स्टेट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि क्यों जरूरी है कि इस रिलीजन को स्टेट से अलग रखा जाए या सेपरेट रखा जाए। तो अभी हमने जैसे पहले पढ़ा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का वो है कि रिलीजन को सेपरेट कर दिया जाए स्टेट पावर से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए ताकि वो लोकतांत्रिक ढंग से सही तरीके से चल सके। सारी की सारी कंट्रीज जो दुनिया में है उनके पास एक या एक से ज्यादा धर्म के लोग उसके अंदर रहते हैं। अब इन धार्मिक जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जो है एक ग्रुप ऐसा होगा जो मेजॉरिटी में होगा
अगर ये जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप है इसकी पहुंच स्टेट पावर तक हो जाए तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो इस पावर का इस्तेमाल करे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ताकि वो जो है और अलग रिलीजन के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव कर सके, उनको प्रताड़ना कर सके। तो ये जो एक टायरनी होती है मेजोरिटी की, इससे भेदभाव, कोअर्शन या कई बार हम कह सकते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को मारा भी जा सकता है। मेजोरिटी आसानी से प्रिवेंट करेगी माइनॉरिटीज को कि वो और अपने अलग अलग धर्म को प्रैक्टिस ना करें। तो इस तरह का जो एक लीडरशिप होती है जो कि आपकी रिलीजन पर बेस्ड होती है, वो एक तरह से राइट्स का वॉयलेशन है। और वो राइट्स का जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी करती है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को, उसके रिलीजन के बेसिस को हटा के, मतलब हम लोग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले भी बताया गया है कि कोई भी भेदभाव नहीं करना है किसी भी सिटीजन से उसके रिलीजन के आधार पर। तो अगर मेजोरिटी होगी और वॉयलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का, तो उसका एक जो कारण होगा कि तभी बहुत जरूरी है कि रिलीजन और स्टेट को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अलग अलग रखा जाए। एक और रीजन जो कि बहुत जरूरी है रिलीजन को स्टेट से अलग करना डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में, कि हमें जो है बहुत जरूरी है कि हम प्रोटेक्ट करें इंडिविजुअल को फ्रीडम को, कि वो जो है अपने रिलीजन से बाहर ना निकले, मतलब उसको ना छोड़े कि दूसरा रिलीजन अपना लिया या उनके पास इतना फ्रीडम है कि वो जो है जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से या डिफरेंटली उसको करने लग जाए। इस पॉइंट को ज्यादा अच्छा समझने के लिए एक अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता होगा ये प्रैक्टिस जो कि हिंदुइज्म में होती है, और इसी वजह से इसको बदलाव करने की कोशिश की गई। अगर स्टेट पावर जो है उन हिंदूज के हाथ में होती जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे होते, तो आपको क्या लगता है कि एक आसान होता किसी को बदलना या इसको इसमें चेंज करना? अगर आप किसी बहुत ही डोमिनेंट लीडर रिलीजियस ग्रुप के हिस्सा होते तो आपको भी बहुत ज्यादा एक तरह से रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती अपने साथ के लोगों से या जो आपकी समुदाय के लोग हैं उनसे। ये मेंबर्स जो कि कंट्रोल करते हैं स्टेट पावर का, ये कह सकते हैं कि खाली एक ही व्याख्या है हिंदुइज्म की और आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है कि आप उसकी व्याख्या दूसरे तरीके से करें। अब है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मैंडेट करता है, कंपल्सरी करता है कि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर होना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार खाली एक सेक्युलर स्टेट जो है उस वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बता सकता है ताकि क्या क्या चीजें करनी होनी चाहिए। एक रिलीजन कम्युनिटी किसी भी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी। कुछ मेंबर्स जो हैं वो और मेंबर्स जो सेम रिलीजियस कम्युनिटी के हैं उनको डोमिनेट नहीं करेंगे। स्टेट जो है कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको लागू नहीं करेगी, ना रिलीजियस फ्रीडम जो इंडिविजुअल्स का है उसको ले लेगी। ये जो इंडियन स्टेट है ये अलग अलग तरीकों से काम करती है ताकि ये जो ऊपर अभी डोमिनेशन बताया गया है इसे रोक सके। सबसे पहले वो एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाती है कि अपने आप को दूर रखती है रिलीजन से। इंडियन स्टेट जो है वो किसी रिलीजियस ग्रुप से नहीं रूल चलता है उसका, ना वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है। इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसेस जैसे कि लॉ कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं, ये कोई भी जो है ना तो दिखावा करेंगे ना ही किसी रिलीजन का एक पर्टिकुलर उसका प्रमोट करेंगे। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक सीमापुर गांव में गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ स्टूडेंट्स जो है सेलिब्रेट करना चाहते थे रिलीजियस फेस्टिवल को। तो बच्चों ने कहा कि सर एक बहुत बड़ा रिलीजियस फंक्शन है, फेस्टिवल है अगले महीने, हमने कभी उसे स्कूल में नहीं मनाया, क्या हम उसे इस साल कर सकते हैं? तो जो उनके टीचर थे उनका कहना था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, हम किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल्स ऐसा कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करता, खास तौर से स्कूल प्रमाइसेस में। ज्यादातर जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, तो हम जो है ऐसे फेस्टिवल्स को घर पर मना सकते हैं। उसमें बच्चे फिर आपस में कहते हैं कि हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था, हमें लगा कि हम लोग जो है स्कूल के बाहर इसे मना सकते हैं। तो लड़की कहती है कि ठीक है, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बार हम इसको अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करेंगे।
तो ये जो आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि ये जो सेलिब्रेशन होता है रिलीजियस फेस्टिवल्स का स्कूल के अंदर, ये एक तरह से उल्लंघन करना होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज का, जिसमें वो कहती है कि सारे रिलीजियस को बराबर का ट्रीटमेंट देना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते किसी एक रिलीजन को, या उनकी जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, या अपने कोई जो उनके रिलीजियस सेलिब्रेशंस हैं उसके थ्रू। ये रूल जो है इवन प्राइवेट स्कूल्स पर भी अप्लाई नहीं होता है। एक दूसरा तरीका जिससे इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क करता है, ताकि वो जो है वो जो ऊपर बताया गया डोमिनेशन है उसको रोक सके, वो होता है स्ट्रेटेजी नॉन इंटरफेरेंस की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके और सारे रिलीजन्स जो हैं उनके जो भी क्या कहते हैं सेंटिमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो है उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करना होगा। लेकिन स्टेट ने कुछ एक्सेप्शंस बनाए हैं खास तौर पे जो कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके लिए। एक स्टोरी बोर्ड के माध्यम से आपको समझा रहे हैं इस चीज को कि एक दोस्तों के जो ग्रुप था वो अभी उन्हें नया नया स्कूटर खरीदा, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो जो है राइड पर जाएंगे। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, जबकि दिल्ली में जो है लॉ है कि आपको गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना है, तो तुम हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे, तुम्हें फाइन लगेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं चिंता मत करो मुझे फाइन नहीं लगेगा। तो जो पहला वाला पूछता है कि फाइन क्यों नहीं लगेगा, तो इस पर वो कहता है कि हम जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, जो हमारे रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और गवर्नमेंट जो है वो हमें फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए। तो ये जो स्टोरी बोर्ड है इससे ये पता चलता है कि परमजीत जो एक यंग सिख हैं उनको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टेट ने जो है ये माना है कि पगड़ी या जो टर्बन वो बांधते हैं वो सिख की रिलीजियस प्रैक्टिस का एक बहुत ही मुख्य पार्ट है, और उसमें दखलंदाजी ना देते हुए उन्होंने जो है लॉ में इस चीज के लिए एक्सेप्शन बनाया है। अब इसके बाद एक और तीसरा तरीका जिससे इंडियन सेक्युलरिज्म जो है डोमिनेशन को रोक सकता है रिलीजियस डोमिनेशन को, वो करेंगे हम क्या कहते हैं अपने अगले वीडियो में।